ही हाय गाइस, मेरा नाम मनोज कुमार है। आज हम लोग पढ़ने वाले सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। प्रीवियस पार्ट अगर हम नहीं देखे हो, पहले पार्ट फोर देखिए, उसके बाद ये पार्ट फाइव देखिए, ठीक है। पार्ट फोर में मैंने बताया एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर वन देखिए, 2/3 माइनस 1/5, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए बेस सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर लास्ट वाले का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 2 10, माइनस दिया तो माइनस लिखेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन आप कर रहे हो, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में आपने ऐड किया था तो इसके लिए प्लस साइन डाला था, सब्ट्रैक्शन में आपको माइनस डालना है। और 3 1 3 अपॉन, अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 5 3 5 15, तो इसका 10 में से 3 गया तो 7/15, ठीक है। हमेशा याद रखिए, जब भी बेस सेम नहीं रहता हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। ये रूल याद रखिए, पहला इसका इसके साथ, फिर नीचे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए सेकंड एग्जांपल आपको बता देता हूँ, 4/7 माइनस 2/5, ठीक है। यहाँ पे बेस सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मतलब पहला इसका इसके साथ, तो 5 4 20, बीच में माइनस दिया तो माइनस लिखेंगे, फिर 7 2 14 अपॉन, फिर इसका लास्ट वाला डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, 7 5 35, तो 20 में से 14 गया तो बचेगा 6/35, ठीक है। चलिए थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, 3/2 माइनस 1/7, सेम ट्रिक अप्लाई करना है, सेम रूल अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम नहीं है, बेस मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। जब भी बेस सेम नहीं रहता है अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, जब भी बेस सेम रहता है लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए, मैंने पार्ट वन में जाके बताया, जाके आप देख सकते हो। तो सेम रूल अप्लाई करना, पहले 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, तो 7 3 21, बीच में माइनस दिया तो माइनस लिखेंगे, फिर इसका मतलब 2 1 2 अपॉन, फिर 2 7 14, तो 21 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 19/14, ठीक है। चलिए फोर्थ एग्जांपल देख लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल 5/3 माइनस 2/6, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, पहले बेस देखिए लाइक फ्रैक्शन है कि अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर अनलाइक फ्रैक्शन रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ठीक है। ये सिंबल याद रखिए आप, ठीक है। चलिए 6 5 30, बीच में माइनस दिया तो माइनस लिखिए, फिर 3 2 6, पहला इसका इसके साथ किया आपने, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया, राइट, फिर बीच में माइनस दिया तो माइनस लिखा, फिर इसका इसके साथ किया, ठीक है, फिर अपॉन 3, फिर इसका लास्ट वाले का करने का, मतलब ये वाला करना है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, 3 6 18, ठीक है। तो 24 आएगा, 24/18, ठीक है। चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फिफ्थ एग्जांपल 2/5 माइनस 1/11, इसमें भी 3 टर्म हो सकता है, ठीक है गाइस। इसमें 2 टर्म ले रहा हूँ, 3 टर्म भी आप ले सकते हो, 3 टर्म से भी कर सकते हो आप, ठीक है। 3 टर्म का भी मैंने वीडियो बना दूंगा पार्ट 6 में, चलिए 3 टर्म का भी बना दूंगा। क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बेस सेम नहीं है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 5 है, तो ठीक है, बेस सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है। तो 11 2 20, बीच में माइनस है तो माइनस डालेंगे, फिर 5 1 5, इसका इसके साथ मल्टीप्लाईंगे 5 अपॉन, फिर डिनोमिनेटर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 55, तो 22 में से 5 जाएगा तो 17 बचेगा, 17/55, ठीक है। अगर आपको प्लस माइनस नहीं आता तो मैंने प्रीवियस पार्ट मेरा देखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने सिखाया, वहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक बताया है, तो उससे भी आप प्रीवियस पार्ट देखिए सीख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा एक्सरसाइज पार्ट नंबर 5, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।